तजारी जाना कहाँ की लग रही है? हम जा रहे हैं। अब जा रही हूँ। चाय, नाश्ता, नहाई धोवाई, खाना मना होगा। अच्छा, ओ भैया देखो गुनगुन ने आशीर्वाद भी दे दो। गुनगुन आशीर्वाद तो जल्दी दे दी थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग्स में। सो आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। गाइज, आज सुबह से सभी लोग तैयार हो गए नहा के, और 5 बजे उठ गए थे जीजा जी। सुबह 5 बजे उठ गए थे। सुबह 5 बजे उठने के बाद तभी से बैठे हैं भाई, घर जाना है, घर जाना है, तो घर भी नहीं जा पाए। और अभी समय हो गया होगा करीब 10:30 बज रहे होंगे। तो सब लोगों ने नहा भी लो और खाना की भी तैयारी चलने लगी, तो खाना भी बन लो। और सुबह से कह रहे हैं कि जाने हैं जाने हैं, अभी तक जा नहीं पाए। बस अब खाना बन गया तो बस खाना खाते हैं, फिर इसके बाद उनकी विदाई करेंगे। और देखो हमारी गुनगुन तो आज अकेली घूम रही, क्योंकि एस चला गया है स्कूल, तो गुनगुन अकेली घूम रही। तुम्हारे भी स्टूडेंट हते तो भी कितने चलेगा स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल, और फिर आप तो इतने बैठे हो स्कूल में, कौन पढ़ाएगा फिर उसको? टीचर पढ़ाएगी। और कल तुमने पढ़ाओ तो फिर वो खेल लेंगे। अच्छा, वो खेल लेंगे, पढ़ा नहीं रही थी। नहा लो तुमने? ओहो देखो भाई, गुनगुन ने सुबह सुबह नहा भी लिया है। और ये चश्मा कौन को टांगे हो भैया? पापा ने। पापा को टांगे? हाँ। अच्छा पापा ने टांगा। अच्छा तुम लगा लो, ये लगा लो। ओहो देखो गाइज, गुनगुन कितनी बढ़िया लग रही है, क्यूट सी लग रही है। अच्छा लग रहा है गुनगुन का चश्मा आगे? गुनगुन तुम्हें बढ़िया लग रहा हो। तुम पापा को ना दियो, कह दियो कहियो जी तो मुँह होगा, ठीक है? तो आज गाइज गुनगुन अकेली घूम रही है, क्योंकि यश चला गया स्कूल। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा यशु को? चलो बढ़िया है। देखो मम्मी की पुब रही है चाय, क्या बात है। आप तो जी गिलास नहीं लाए, कटोरी लाए। अच्छा चलो बढ़िया है। देखो ये तो दीदी जी का जने कहा हम लोग, नहा लाओ तुमने कि नहीं नहाओ? नहा लाओ, जा रहे थे। अच्छा भाभी जी कह रही खाना पीना खाओ, इसके बाद जा रहे थे, तैयार बैठे हैं बोला। हाँ तो ये बात सही है, अब खाना खाएंगे तो और टाइम बही जाता है। अरे तो अब थोड़ा टाइम और हो जाए, अब खाना बन जान दो। अच्छा काट रहे हैं जी? कट रही मिर्ची धनिया सब सब्जी के लिए। अच्छा चलो बढ़िया है। और देखो गाइस जिया जी ने भी नहा लो सुबह सुबह। ठंड नहीं लग रही थी तुम्हें? कोई ठंड नहीं लग रही। कोई ठंड नहीं लग रही, सही बताओ। देखो गुनगुन कितनी खुश हो रही। गुनगुन क्यों खुश हो रही, क्यों हो रही खुश? मजा आ रहा हो तुम्हें? काय को मजा आ रहा भैया? वैसे ही मजा आ रहा हो। ले भैया इन्हें अपनी बातन पे मजा आ रहा है इन्हें। लो भैया जी खाना लेके आ गए। नहीं हम नहीं खा रहे, वे तुम खाओ, तुम भी खाओ खाना, जाओ। क्यों नहीं खाना है? भूख नहीं लगी? सही बताओ। अरे एक दो पूड़ी खाया नहीं? लो भैया गुनगुन तो मना ही कर रही, का लिख रहे? पेट भरो है, सही बताओ। जो का लिख रहे? अच्छा ओ भाई साहब, देखो इनको खाना देख लो, कितने सारे पापड़ रखे हैं। बताओ भैया इतना कम कर लेती हैं वैसे पापड़, ज्यादा रखे हैं भैया? हम आए हैं सारे नहीं रखे, और तीन जनों को हैं सारे। अच्छा रखे तो तुम हो? रखे हैं हम अपने हैं सारे खाए ले, और दो जनों को हैं सारे छोड़ देंगे। अच्छा एक में छोड़ दो तो बढ़िया है। देखो इनके तजारी जाना कहाँ की लग रही है? हम जा रहे हैं। अब जा रही? चाय, नाश्ता, नहाई धोवाई, खाना मना होगा। अच्छा अब जाने की तैयारी? ले भैया अब इनकी जाने की तैयारी होगी जी। ऐसा ही आए थे एक दिन रुके और तो बस चलते मेहमान। अच्छा मेहमान है? अच्छा तो मेहमान हो तो बढ़िया है भैया। देखो हमारी गुनगुन तो भैया बिल्कुल तैयार, सुबह से फिर रही जाए खिलाना। गुनगुन को टीका हो रहा। ओहो बस छोटो सो लगाइए, कहा गुनगुन ज्यादा बड़ो नहीं हो जाए। ओ भैया देखो गुनगुन ने आशीर्वाद भी दे दो। गुनगुन आशीर्वाद तो जल्दी दे दी थी। अब गुनगुन कब आ रही तुम वापस बताओ, कब आ जाओगी? 1 महीने बाद? सही बताओ, पक्की हो गई बात? 1 महीने बाद आओगी हैं? ले भैया गुनगुन ने तो कह दी कि 1 महीने बाद आ रहे हैं हम दोबारा से।
तो बढ़िया है। तो गाइस तारा आने तो चलेंगे और हमने भी खाना खा लिया है, बस खाना खा के यहीं पे बैठ गए आंगन में, देखते हैं कुछ काम। गाइस बाड़ी में पहुंच गए, देखो पापा ने बाजरा काट लो तो कटिया करवा दें हम, तो मम्मी जना का भी नहीं टमाटर टूल रहे लगे थे जी। देखो गाइज कितने बड़े बड़े टमाटर हो गए, और देसी टमाटर है गाँव में जी, खट्टी लगा था। खट्टी लगा अच्छे लगते हैं, छोटे तो मतलब खट्टे लगते हैं लेकिन जे भी देसी में है जो भी टमाटर खट्टा हो गया वही में से काफी नहीं तुम जी ऐसी बिजी डरेंगे ऐसी बाबा गज्जा को ना बच के खात नहीं आ सुनने की जी चौखे खतरा से उठा लेंगे। अच्छा अब भाई डर तो गाइस जे भूसा डाल दे गज्जा को सुबह भूसा भूसा खा ले तो बाकी बिजी रह जात नहीं चाहिए मैं बस बच्चों खे मुखे खात रहता है सो सही है। चलो गाइस कटिया करवा दें क्योंकि सानी का टाइम हो गया है। देखो गाइस ये इसको बहुत हंसी आ रही है, अपने छोटी सी पड़िया छोटी सी पड़िया तो देखो गाइस इतनी शांत है जब पड़िया इतनी शांत है कि देखो आराम से दूध पी आ रही जाई है, भैंस के पड़ाखों आराम से खड़ी है, देखो ये दूध पिया है, वाह कितनी शांत है बताओ तुम जी कह रहे हमारी हल्की सी भैंस भी आ पड़ी है अच्छा वो जान रही के किल्ली छुटा रहा कोई सुबह मजा आ रहा जो खुजली हो रही पापा खुजाओ के सुबह जान रही के पापा के को खुजा रहा सुबह सुबह अपने आराम से खड़ी है। देखो गाइस कितने शांति से खड़ी देख ले ना हिलई ना डुलई बड़ो मजा आ रहा उसको बढ़िया यार तुम्हारी तो एक हल्की भैंस भी आ गई है। हाँ भैया सही है लगाओ फिर लगा लो गे तेली कर रही है तेली निकल रही है ले तेली निकल रही है वे सबको इनवाइट कर दे तो सब जने खा ले आ जा मैं खा जा मैं अच्छा ई की ब्लास्ट करने ई क्या लीटर निकले जो डब्बा पूरा भर जाना है इतनी निकल रही तो भैया बढ़िया है सही है। तो चलो गाइस यहाँ का काम हो गया है अब चलते हैं घर। अच्छा तो शर्म लग गई होगा चलो तो निधि आई नहीं बांट डब्बा रख भी खिलाना है अब जो घरे जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। तो गाइज देखिए जे बीज बना कर रख रहे हैं हम ईखो और ये जो मूंगफली थ्रेसर से निकलवाई थी जब मशीन से तो फूट गई थी जो तो मैं कछुई में जो फूटी हैं तो फूटी निकाल लें अलग कर दें और तो सेंगी सेंगी जो बीजी हैं वे अलग रख रहे हैं बाकी जे इनमें देखो जे ऐसी मूंगफली डरी जे मूंगफली और बीन लें तो बस अलग कर दें जी फिर बीज को पूरी रख रहे हैं। देखो जी भी संगे हेल्प करवा रहे अकेले तुम कहाँ कह पाओ अन्य तो मतलब जैसे ठीक है अब ऐसे काम में एक दो आदमी हो तो अच्छा लगा तो देखो मम्मी भी काम कर लें मम्मी अपनो जो फूटी बीजी निकाल लें जो फूटी फूटी हैं वे अलग कर लें और सेंगी सेंगी जो हैं वे अलग कर लें और इतने हम लोग इनमें से ये मूंगफली बीन रहे बड़ी बड़ी जो हैं। गाइस रात के बज गए हैं करीब 8:30 बज गए होंगे सो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए और गाइस एक पूजा सोलंकी जी हैं जो कि हर वीडियो पे कमेंट करके पूछ रही हैं कि पेट खिसक जाना और पेट मतलब टर जाना जी कैसे मतलब ठीक होता है कैसे इसको करें ठीक। तो भैया पूजा जी हम लोग तो देखो ये चीज़ें नहीं जानते क्योंकि हम लोग वैद्य तो है नहीं आके उस चीज़ में जाने कि कैसे पेट को बांधने आत कैसे खिसक जात ये सब चीज़ें हम लोग तो नहीं जानत। बस इतना ज़रूर है कि हमारे यहाँ में गांव में एक दो औरतें ऐसी हैं कि जो कि पेट को बांध लेती जैसे कि अपनों पेट खिसक जात ऊपर से नीचे हो जाते ही या मतलब हमारे थे बुंदेलखंडी में कई जात के पेट टर गाओ तो ऐसो कछु मतलब जब हो तो उन औरतन को बुलवाओ जात एक दो औरतें हैं जो कि बांध लेती तो उन्हें बुलाओ जात और पूरा दिन खाली पेट रहना पड़ता है और उनको बुलाने के बाद फिर वो आती हैं तो या तो लोटा से बांधे मेरी और लोटा नहीं आ तो जैसे जो अपनी मिट्टी की मलिया टाइप की हो जैसे अपने जो दिए होते हैं मिट्टी के उन दिए से भी और बड़ी होती है वो मलिया टाइप की तो जो उनको मलिया बोला तो उसे
मतलब इकट्ठो करके तेल लगा के पहले उसकी सुटाई करें पेट की। करने के बाद फिर उसको एक एक जगह पकड़ के रखें, और रखने के बाद फिर मलिया रख दे तो के ऊपर, और मलिया को फिर कपड़ा से बांध दे, तो फिर अपन को सीधे बैठाल दे। और फिर मतलब कुछ खाना भी नहीं दे कछु टाइम तक, मतलब दो दो ढाई 3 घंटे तक, और चला फिरी भी नहीं करने आओ, एक जगह बैठे रहो। तो बेलोग इन चीजन को जाना था, बाकी हम और मम्मी है ना ये चीजें नहीं जाना था कि किस तरह से पेट बांधने आओ और कैसे मतलब बंदत है। बे लोग आते तो बांध जात, और भैया हम लोग तो जानत नहीं आ। तो गाइज अभी चलते हैं बस खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और गाइज मिलते हैं सुबह न्यू ब्लॉग्स के साथ। सो कैसी लगी हमारी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।